हिस्ट्री, सो अब हम उसके हिसाब से करेंगे. बट उसमें चैप्टर वन में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री, यानी उसके साइंटिस्ट के नेम्स वगैरह हैं, सब कुछ उसमें है. ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं. अब कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आपको ग्रेड 6 7 8 में हमने लिखवाए थे और करवाए थे, बट वी जस्ट गोना रिवाइज दोस ब्रांचेस, दोस बेसिक डेफिनेशंस. इस तरह के जो आपके पास हैं, ये सारे टेबल आप लोगों के पास अपनी कॉपी में हमने बनवाया था, तो आप उसके हिसाब से आप कोई आपको डबल काम करने की जरूरत नहीं, ये सारी चीज़ें ही हम उसमें करवा चुके हैं आपकी कॉपी में. हाँ, आप मैच कर सकते हैं, जैसे इनके सिर्फ देर से एनी डिफरेंस यू कैन राइट इट फ्रॉम देयर एंड रिमूव इट. सीए है, श्रोडिंगर है हमारे पास, ऑल्दो इट्स अ फिजिक्स केमिस्ट में नहीं आता ये हमारे पास, बट स्टिल आप इस आपके ये नाम अपने जस्ट जहाँ पे आप लोगों ने कॉपी में लिखा हुआ था साइंटिस्ट का जिक्र टेबल बनाया था उसी के नीचे इसका भी आप इंक्लूड कर दें. और ये भी है हमारे पास. एंड व्हेन यू राइट अल्बर्ट आइंस्टाइन, द अल्बर्ट इज विद इन ए. ओके, सो ये वाल जो पांच सिक्स साइंटिस्ट जो हमने पहले नहीं लिखे हुए थे जो इस न्यू बुक में इंक्लूड हुए हुए हैं, फ्रॉम श्रोडिंगर, डी ब्रोगली, स्टैंड्रा, अल्बर्ट आइंस्टाइन, एरिक कॉर्नल, कार्ल न्यूमैन, ये सिक्स साइंटिस्ट है. आप लोगों के नीचे जगह है तो वहीं पर आप कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज यू कैन गो टू द इंटरलीव साइड. द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री वी ऑलरेडी कवर्ड इट. इंपॉर्टेंस क्या क्या है वो हम लोगों ने विद द ब्रांचेस कवर कर लिया था. ठीक है, फिर फिजिकल केमिस्ट्री वी हैव कवर्ड इट कि ये जो है कंपोजिशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करता है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स को करता है. इनऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स के अलावा, हाइड्रोजन एंड कार्बन्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स को कवर करता है. बायोकेमिस्ट्री में हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंपाउंड्स फाउंड होते हैं उसको स्टडी करते हैं. इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्रीज में हम लोग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं अपने आसाइश के लिए, वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आता है. न्यूक्लियर केमिस्ट्री में न्यूक्लियस ऑफ द एटम के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं इंक्लूडिंग रेडियो एक्टिविटी, वो सब हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में कवर करते हैं. एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में जो केमिकल मटीरियल्स हम लोग तैयार करते हैं या जो पहले से मौजूद होता है उनका एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट है, हमारे पर्सनल हाइजीन पे, पोल्यूशन पे, हेल्थ हैजर्ड्स, क्या तमाम चीज़ें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आते हैं. एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमारे पास क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी आ जाता है. मेडिसिनल केमिस्ट्री आपने नहीं लिखा तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा. सो मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या होता है कि हमने बायो में पढ़ा हुआ था फार्माकोलॉजी, मीन्स द ब्रांच ऑफ बायो दैट स्टडीज मेडिसिंस. अब मेडिसिन जो होते हैं वो बेसिकली केमिकल्स से बने हुए होते हैं, तो कौन से केमिकल्स से वो बनेंगे वो सारी चीज़ें हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री में डालते हैं. यानी बेसिकली फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन है, बस वही करना है एक्सेप्ट दैट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आप लिखेंगे, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मेडिसिंस. ठीक है, तो वो मेडिसिंस जो होते हैं वो हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं. एंड देन वी हैव क्वांटम केमिस्ट्री. क्वांटम केमिस्ट्री इज द लेटेस्ट और इस वक्त बहुत ज़्यादा ये क्वांटम फिजिक्स के साथ काम कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक और ये रिसेंट मोस्ट ब्रांच है. ये क्या करता है, ये जितने भी आपके केमिकल सिस्टम है उसके फिजिकल मॉडल्स को स्टडी कर रहा होता है. ठीक है, यानी कि ये क्वांटम सिस्टम यानी कि हमारे बिग मॉडल्स होते हैं हमारे पास, एक कायनात को एक्सप्लेन करना इन अ केमिकल बेसिस, कायनात किस तरीके से बनी हुई, कौन से केमिकल से बने हुए हैं, यानी क्वांटम लेवल पे जाके किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना इन केमिकल टर्मिनोलॉजी, वो आपकी क्वांटम केमिस्ट्री में आ जाएगा. एंड देन वी हैव ग्रीन केमिस्ट्री. इसके अंदर ये है कि किस तरीके से हम लोग इस तरह की चीज़ें तैयार कर सकते हैं जो हमारे एनवायरमेंट के लिए ख़तरनाक ना हो. नाउ लेट्स सपोज ले लेते हैं आप लोग जो स्ट्रॉस आप लोग जो इस्तेमाल करते हैं फॉर जूसेस एंड ड्रिंक्स, उसके अंदर वो पहले जो है वो प्लास्टिक्स में आया करते थे. अब रिसेंटली आप लोग जब देखेंगे तो आजकल काफ़ी सारे एड्स वगैरह भी चल रहे होते हैं कि वो जो है वुड के यानी लकड़ी के या पेपर के भी आजकल स्ट्रॉस आ रहे हैं. यानी इस तरह के ग्रीन केमिस्ट्री हम उन चीज़ों को स्टडी करते हैं या डिज़ाइनिंग को स्टडी करते हैं जिसमें हम लोग ऐसी चीज़ों को तैयार करें जो हमारे सेहत के लिए और जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए कम नुकसानदेह हो, वो तमाम चीज़ें हम लोग ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर स्टडी कर रहे थे. सो वी हैव बेसिकली थ्री न्यू ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो आपको ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जहाँ पे आपने लिखा है वहीं पे आपको इंक्लूड करना होगा. मेडिसिनल केमिस्ट्री यानी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद मेडिसिंस. क्वांटम केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद एप्लीकेशन मैकेनिक्स एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फिजिकल मॉडल्स इन केमिकल सिस्टम. ग्रीन केमिस्ट्री, branch of chemistry that deals
deals with the study of processes and designing products that are less hazardous to our health and environment. तो ये तीन branches of chemistry and six scientists जो आपके पास पहले से नहीं लिखे हुए थे आपको वो include करने होंगे. So we just gonna start our lecture now. Basic definitions में यानी chemistry को study करने में आपको कौन-कौन से words, कौन-कौन से terms का पता होना चाहिए. ये वाली चीज यही exact आपके पास हमने grade 6 से 7 में आपको ये flow chart बनवाया था. First of all matter. Matter is anything that occupies space and has a mass. यानी दुनिया की तमाम चीजें जो होती हैं वो matter से बनी हुई होती हैं. Okay? So उसके बाद वो जो है दो types में जो है वो divide हो जाता है. Substance homogeneous यानी one type of thing से बना हुआ होता है, जबकि mixture जो होता है वो variable different type of चीजों से बना हुआ होता है. अब substance में अगेन हमारे पास दो type की चीजें आती हैं. Element purer form में होता है, जबकि compound जो होता है इन्हीं elements को combine करके chemically combine करके हमारे पास compounds बन जाते हैं. जबकि mixture में again we have two types. Homogeneous mixture यानी कि solution, ऐसा solution जिसमें आपको uniformity नजर आए, आपको कोई color के अंदर changes नजर ना आए. Like suppose अगर आप पानी के अंदर salt को dissolve कर लेते हैं या पानी के अंदर sugar को dissolve कर लेते हैं या चाय के अंदर दूध मिक्स कर लेते हैं तो पूरे पूरे चाय की या पूरे पूरे पानी के कलर सेम रहता है. हेट्रोजीनियस में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है. अगर पानी के अंदर जो है तेल डाल देंगे तो आपको तेल अलग नजर आएगा, पानी अलग नजर आएगा. इसी तरीके से अगर पानी के अंदर मिट्टी को मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो मिट्टी का जो है वो कलर आपको अलग से नजर आएगा. थोड़ी देर के बाद ऊपर थोड़ा सा लाइट ब्राउन होगा, नीचे डार्क ब्राउन होगा. सो यूनिफॉर्मिटी उसके अंदर नहीं होगी. अगेन मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस and has a mass. It has two types, substances which is pure form. Mixture is made up of variable yani different type of things. Substances mein we have two types. Element is a purest form of a substance. It's only made up of one type of atom. Jabki compound it's made up of two different type of atoms. Iske ilawa hamare paas mixture mein again we have two types. Homogeneous uniformity होती है उसके अंदर, it's called solution. Heterogeneous does not have uniformity and can have different colors or phases. Okay? उसके बाद we have atom. Atom is the smallest particle of an of a matter. It has three subatomic particles, electrons which has negative charge, protons that are positive charge, and then we have neutron that are न्यूट्रल चार्ज. यानी कि एक एटम तीन सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन से विच हैज नेगेटिव पार्ट. सो नेगेटिव चार्ज जो रिवॉल्व कर रहा होता है, जो एक जगह टिका हुआ नहीं होता, इट रिवॉल्व्स. एंड देन वी हैव प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है एंड इट हैज पॉजिटिव चार्ज. एंड देन न्यूट्रॉन विच हैज नो चार्ज, उसके अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता उसके पास, और वो प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है. Okay, next we have molecules. अब molecules दो type के हो सकते हैं. When same elements combine, they form molecules. When different elements combine, they form compounds. Okay, so molecules like chemical combination अगर आती है atoms के बीच में, elements के बीच में, they form molecules. They can be mono यानी one type, di two different type, poly यानी कि बहुत सारे different type के molecules हमारे पास हो सकते हैं. So again molecules are made up of atoms that are held together by chemical compounds. Okay, different elements या same elements आपस में जब chemically combine करते हैं they are known as molecules. Next we have substance. A piece of matter in pure form is termed as substance. यानी कि जो बिल्कुल purest form में होता है उसके अंदर और कोई मिलावट ना हो, like suppose salt ले लेते हैं, अगर salt के अंदर मिट्टी मिला हुआ ना हो, water मिला हुआ ना हो, तो फिर वो substance ही रहेगा. इसी तरीके से diamond अगर उसके अंदर कोई और element का मिलावट ना हो, यानी अगर वो साफ सुथरा है, like suppose हम diamond की example ले लेते हैं, diamond में अगर बहुत सारा मिलावट होता है तो black color हो सकता है, pink हो सकता है, red हो सकता है, blue हो सकता है, different elements की मिलावट की वजह से different color का हो सकता है. But if it's pure, वो प्योरली सिर्फ कार्बन है, या अगर प्योरली सिर्फ कार्बन है तो यानी कि डायमंड फिर आपके पास एक ग्लास कलर का नजर आएगा, ट्रांसपेरेंट कलर का होगा.
एंड देन वी हैव सल्फर, सल्फर अगर प्योर फॉर्म में होगा इट विल बी येलो, अगर उसके अंदर कोई चीज की मिलावट होगी उसके अंदर कलर्स डिफरेंट होंगे, यानी कि कोई भी ऐसा सब मैटर जो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो दैट इज नोन एज सब्सटेंस, और सब्सटेंस के पास अपनी फिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं. नेक्स्ट वी हैव एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स, यानी कि अगर आप कार्बन एलिमेंट की बात कर रहे हैं देन इट्स मेड अप ओनली कार्बन एटम्स, इफ यू टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन एलिमेंट इट्स ओनली मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एटम, इफ यू टॉकिंग अबाउट गोल्ड एलिमेंट इट्स मेड अप ऑफ गोल्ड एटम, यानी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम. अब जो एलिमेंट है इट कैन एग्जिस्ट एज मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, यानी मेटल होगा तो मोस्टली सॉलिड होगा एक्सेप्ट मर्क्यूरी, जो आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ के आ चुके हैं. इट्स यूजुअली टिपिकली हार्ड होता है, शाइनी यानी चमकता है, मैलियबल यानी कि वो जो है उसके हम हैमर करके उसकी शेप तब्दील कर सकते हैं, फ्यूजेबल मेल्ट होके हम उसकी जो है शेप्स अगेन चेंज कर सकते हैं, डक्टाइल उसको वायर के शेप में ला सकते हैं, गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है और उसमें से हीट भी पास हो सकती है. और फिर उन्होंने एग्जाम्पल्स दे दिया आयरन का, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड अलॉयज. अलॉयज जो है आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़े हुए थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, दैट मेटल्स जो आपस में मिक्सचर तैयार करते हैं, सोल्यूशन तैयार करते हैं, दैट आर नोन एज अलॉयज. ओके, सो उसके बाद हमारा जो सेकेंड टाइप ऑफ एलिमेंट जो हमें नेचुरली आर्टिफिशियली मौजूद होता है दैट इज नॉन मेटल. नॉन मेटल्स में क्या होता है कि दे डू नॉट कंडक्ट हीट, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसके पास चमक नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती. उसकी एग्जाम्पल क्या है कि वो कार्बन है हमारे पास, इसके अलावा ऑक्सीजन होता है हमारे पास, सल्फर है हमारे पास, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास नॉन मेटल्स में होते हैं. एंड देन वी हैव मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स आर एलिमेंट्स whose properties are intermediate, यानी कि वो बीच में होते हैं, यानी कि उनके पास मेटल्स की भी खसूसियात होते हैं एंड नॉन मेटल्स की भी खसूसियात उनके पास होते हैं, यानी प्रॉपर्टीज उनके पास मेटल्स की भी होती हैं एंड नॉन मेटल्स की भी होती हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग मेटलॉइड्स कहते हैं. एंड देन वी हैव हाउ टू राइट सिम्बल्स, यानी केमिकल्स सिम्बल्स आप लोग अक्सर पीरियोडिक टेबल में देखते हैं वो किस तरीके से होते हैं. A symbol is an abbreviation to represent the name of elements. यानी abbreviation का मतलब आप लोगों ने जो है ICT में पढ़ा होगा that they are shortcuts, they are short names. Okay? A symbol is taken from the name that elements from English, Latin, Greek and German. यानी कि symbols होते हैं usually ये जो है English language से भी जो उस element का जो English में name होता है उसका short name में से हम ले सकते हैं. लैटिन लैंग्वेज से ले सकते हैं, ग्रीक से ले सकते हैं, जर्मन से ले सकते हैं, फोर लैंग्वेजेस से. सिंबल्स के लिए शुरू में सिंबल्स का रूल ये था दैट दे आर सपोज टू बी वन और टू लेटर्स, लेकिन आजकल जो है थ्री लेटर्स तक भी आता है. अगर आप कभी पीरियोडिक टेबल ओपन करेंगे तो बिल्कुल नीचे वाला जो पार्ट होता है यू वाला यूरेनियम के बाद जो सेक्शन आता है हमारे पास उसमें आप देखेंगे कि उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, बहुत कम है लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो थ्री लेटर्स के भी होते हैं. सो दे कैन बी वन लेटर, टू लेटर्स और थ्री लेटर्स. ठीक है, उसके बाद सेकेंड हमारे पास है एवरी सिंबल स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर. यानी सिंबल का जैसे हम लोगों ने आपको शुरू में जब क्लास सिक्स या सेवन में जब आपको एलिमेंट्स का इंट्रोड्यूस करवाया था उसको बताया था दैट द एलिमेंट्स फर्स्ट लेटर इज सपोज टू बी कैपिटल. लाइक कार्बन का ले लेते हैं, कार्बन का सी है, सी इसका कैपिटल होगा. सल्फर का एस है तो एस कैपिटल होगा. सोडियम का एन ए है जो फर्स्ट लेटर है एन वो सिर्फ कैपिटल होगा, ए कैपिटल नहीं होगा. इसके अलावा क्रोमियम है, क्रोमियम का जो फर्स्ट लेटर दैट इज सी, सो सी उसका कैपिटल होगा एंड देन आर विल बी स्मॉल. इफ सिंबल इज सेकंड लेटर देन इफ सिंबल हैज टू लेटर्स देन स्टार विद कैपिटल लेटर्स एंड सेकंड विल बी इन स्मॉल लेटर्स. इधर वही चीज कही उन्होंने that if there are two letters, या अगर three letters भी होते हैं, तो the first letter should be capital, and then second and third has to be small. Okay, तो यहाँ पे उन्होंने examples कुछ दिए हुए हैं कि first 30 elements के उन्होंने दिए हुए हैं. Let's suppose hydrogen का ले लेते हैं, hydrogen का H ही है, helium का H E है, lithium का L I है, beryllium का B E है, boron का B है, carbon का C है, nitrogen का N है, oxygen का O है, fluorine का F है, neon ka ne hai,
मैग्नीशियम का एमजी है, एल्यूमिनियम का एएल है, सिलिकॉन का एसआई है, फास्फोरस का पी है, सल्फर का एस है, क्लोरीन का सीएल है, आर्गन का एआर, पोटेशियम के। और पोटेशियम का देखें, ऑल्दो वो पोटेशियम का पीओ से स्टार्ट हो रहा है, बट स्टिल जो उसका लेटर है, वो सिंबल हमें गिवन है, वो के है, क्योंकि लैटिन में जो उसका नेम है वो कैलियम, सो वी आर यूजिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ द लैटिन नेम, कैलियम का फर्स्ट लेटर है के, सो वी आर यूजिंग दैट। ओके, कैल्शियम का के सी ए है, स्कैंडियम का एस सी है, टाइटेनियम का टी आई है, वैनेडियम का बी है, क्रोमियम का सी आर है, मैग्नीज का एम एन है, आयरन का एफ ई है। एफ ई देख लें यहाँ पे, बिकॉज द लैटिन नेम, लैटिन लैंग्वेज में आयरन को फीरम कहते हैं, सो उस लैंग्वेज लैटिन से निकाला है एफ ई। कोबाल्ट का है सी ओ, निकल का है एन आई, कॉपर का है सी यू। अगेन कॉपर को हम लोग लैटिन लैंग्वेज में कुप्रम कहते हैं, तो सी यू वहां से निकाला है। जिंक जो है वो जर्मन लैंग्वेज में, अगर हम जिंक को लिखेंगे स्पेलिंग में तो जेड एन आएगा, उस हिसाब से उन्होंने यहाँ बता दिया। तो यानी कि जो सिम्बल्स होते हैं वो फर्स्ट लेटर भी हो सकता है, सेकेंड फर्स्ट टू लेटर्स भी हो सकते हैं, फर्स्ट थ्री लेटर्स भी हो सकते हैं। और कौन कौन से लैंग्वेज यूज होते हैं, इंग्लिश से ले सकते हैं, लैटिन से ले सकते हैं, ग्रीक से ले सकते हैं एंड जर्मन से ले सकते हैं। अभी तक हम ये चार लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं टू यूज टू फॉर्म द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। अब हमारे पास आ जाता है केमिकल फॉर्मूला। द केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड रेशियोज ऑफ एलिमेंट्स टू वन अनदर इन अ कंपाउंड। यानी केमिकल फॉर्मूला बेसिकली ये बताता है कि कोई भी चीज कौन से एलिमेंट से बनी हुई है और वो एलिमेंट कितने मिकदार में मौजूद है। लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। ओके, सो CO2 का क्या मतलब है, देयर इज वन एलिमेंट, वन एटम ऑफ कार्बन एंड टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरीके से हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। So that means we have two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. इसके बाद example लेते हैं ammonia की, we have ammonia का है NH3, that means one atom of nitrogen and three atoms of hydrogen. तो chemical formula दो चीजें बताएगा, पहले वो बताएगा कि कौन कौन से element से वो compound बना हुआ है, second वो बताएगा कि उस element कितने amount वहाँ मौजूद है, यानी कितने number of atoms उस element में केमिकल्स कंपाउंड के अंदर मौजूद है। सब एग्जांपल दे सकते हैं, वाटर का है H2O, सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी मिट्टी का है SiO2, सोडियम हाइड्रोक्साइड का है NaOH, सोडियम क्लोराइड का है, नमक का है NaCl, जो सर्फ हम लोग यूज करते हैं टू वॉश द क्लोथ्स, वॉशिंग सोडा का है Na2CO3 .10H2O। डॉट का मतलब है ये आपस में रिएक्ट मिक्सचर के तौर पे मिले हुए हैं। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चॉक जो होता है, जिसे हम लोग बोर्ड पे लिख रहे होते हैं चॉक, वो बना हुआ है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। चीनी जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं खाने के लिए, चाय में जो डालते हैं, दैट इज C12H22O11। अमोनिया जो अक्सर हम लोगों को फ्रीजर के अंदर मिल रहा होता है ठंडा ठंडा, दैट इज NH3। सल्फ्यूरिक एसिड जो आपके UPS की बैटरी के अंदर जो तेजाब होता है, दैट इज H2SO4। कैल्शियम ऑक्साइड जो शेल्स में होते हैं, CPN जिसको कहते हैं, दैट इज CaO। सो दिस आर सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। यानी इसमें क्या दिखा रहा है, सबसे पहले ये बता रहा है कि वो जो चीज है कंपाउंड से कौन से एलिमेंट से बने हुए हैं और वो एलिमेंट कितने नंबर्स में मौजूद है। एंड देन वी हैव मिक्सचर। मिक्सचर में जिसमें पहले बता दिया जाता है कि टू और मोर कंपाउंड्स फिजिकली यानी केमिकली कंबाइन नहीं होते, फिजिकली कंबाइन होते हैं, जिनका फिक्स रेशियो नहीं होता। यानी कि लेट्स सपोज हम ले लेते हैं टी की एग्जांपल, चाय की एग्जांपल, तो उसमें फिक्स रेशियो नहीं होता। कोई जो है बंदा दूध ज़्यादा लगा डालता है अपनी चाय में, कोई दूध कम डालता है, कोई चीनी नहीं डालता, कोई चीनी बहुत ज़्यादा डाल देता है। सो द मिक्सचर के अंदर क्या होता है, फिक्स रेशियो नहीं होता, जबकि एक कंपाउंड के अंदर फिक्स रेशियो होता है। सो द मिक्सचर इज व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड फिजिकली कंबाइन, दिस फिक्स रेशियो इज नोन एज मिक्सचर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दो टाइप हो जाते हैं होमोजीनियस, जिससे पहले बताते हैं होमोजीनियस में यूनिफॉर्मिटी होती है, सब
एक तरतीब में मौजूद होते हैं और हाइड्रोजीनियस में बेतरतीब होते हैं। एंड आई थिंक उन्होंने ये पिक्चर उन्होंने उल्टी बनाई, ये तरतीब है ये बेतरतीब है, उन्होंने कुछ उल्टा किया हुआ उन्होंने। सो लेट्स समराइज कि हम लोगों ने कितना एलिमेंट्स कंपाउंड मिक्सचर में पढ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम एटम्स एंड डिस्कवर्ड नेचुरली। एलिमेंट्स जो है वन टाइप ऑफ एटम से मौजूद होते हैं और ये कायनात में मौजूद नेचुरली मौजूद होते हैं। ऑल्दो दिस इज रॉन्ग, एलिमेंट्स जो है हम लोगों ने काफी सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हम लोगों ने आर्टिफिशियली तैयार किए हैं। सो यस, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स बट दे आर नॉट डिस्कवर्ड नेचुरली, कुछ आर्टिफिशियली भी हम लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं, मैन्युफैक्चर किए हुए हैं उसके अंदर केमिकल लेबोरेटरीज। सेकेंड पॉइंट, एलिमेंट शोज यूनिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू सिमिलैरिटीज ऑफ एटम्स। हर एलिमेंट के पास अपनी यूनिक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, और एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स आप कहीं से भी उठा लें दे विल हैव सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर तब्दील नहीं होगा, जबकि एटॉमिक मास चेंज हो सकता है क्योंकि आप लोगों ने ग्रेड सिक्स में पढ़ा हुआ है दैट दे आर आइसोटोप्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। So elements will always have same atomic number. Element have same atomic number and cannot decompose into simple substances by ordinary means. यानी कोई आम से तरीके से हम उसको तोड़ नहीं सकते, यानी एटम को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तोड़ने के लिए कोई आम से तरीका इस्तेमाल नहीं होता, बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मुश्किल तरीके से हम लोग उसको तोड़ सकते हैं। Now let's move on to compound. Compound is formed by a chemical combination of atoms of the elements. यानि कि elements जब chemically आपस में combine होते हैं, they form compounds. Constituent of compound lose their identity and form a new substance with new properties. जब compound form होते हैं, तो उनकी अपनी पहचान होती है, और जिस element से बने हुए होते हैं, लाजमी बिल्कुल भी नहीं है कि उनके पास वही properties होंगे जिस atom से वो बने हुए हैं। जैसे हमने आपको फिजिकल क्लास के अंदर एग्जांपल दी थी दैट वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों के दोनों आग जला सकते हैं, यानी आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है दैट टू कट ऑफ फायर ड्यूरिंग ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट यू हैव टू कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है, यानी कि आप आग तब तक जला सकते हैं जब तक ऑक्सीजन मौजूद होगा, ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा तो आप आग नहीं जला सकते। जबकि वाटर के अंदर क्या है कि उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है केमिकली, बट वाटर में आग नहीं जलती एज लॉन्ग, ठीक है। तो वो क्या है कि जब कोई कंपाउंड तैयार हो जाता है तो वो अपने पेरेंट एटम की क्वालिटीज को प्रॉपर्टीज को खो देता है और उसकी अपनी पहचान अपनी प्रॉपर्टीज मौजूद होती है। कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास, यानी कि आप कोई भी एक कंपाउंड को दुनिया के किसी भी कोने से उठा लें दे विल हैव सेम फॉर्मूला। यानी कि अगर आप पानी की एग्जांपल ले लेते हैं, पानी चाहे हम जो है उजैर के घर से उठाएं, चाहे आप मेरे घर से उठाइए, चाहे आप साकिब के घर से, यानी किसी के घर से भी आप पानी उठा लेंगे, पानी का केमिकल फॉर्मूला विल स्टे द सेम, H2O ही रहेगा। सो द कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड composition by mass. Components cannot be separated by physical means, यानी कि आप filtration के through, distillation के through, इस तरीके कार के through, physical means के through आप compounds को तोड़ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो chemically combine होते हैं, तो ये जो physical means होते हैं like distillation, filtration, decantation जो आप लोगों ने पूरे grade 6 से पढ़े हुए थे, वो तमाम चीजें उस तमाम processes से हम compound को तोड़ नहीं सकते। And then next we have mixture. Mixture formed by simple mixing of substances. Yani ke jahan hum log physical combination kar rahe ho, ek sirf mila ke koi cheez mix karke hum log taiyar kar rahe hain, to that is known as mixture. Ab mixture mein kya hai? Constituent of mixture retain their properties in mixture. Yani ke mixture jin cheezon se bani hui hongi usi cheez ki properties uske andar rahegi. लेट्स सपोज हम ले लेते हैं, अगर आपने पानी के अंदर चीनी डाल दिया, चीनी की प्रॉपर्टी है कि वो मीठा है, तो अगर आप पानी के अंदर चीनी डाल देंगे, आप पानी को पिएंगे तो पानी मीठा टेस्ट दिखा आपको फील होगा, उसमें टेस्ट आएगा मीठा। वैसे ही इफ यू वाटर की प्रॉपर्टी क्या है कि वो आग को बुझा देता है, तो आप पानी के अंदर अगर चीनी डाल भी देंगे और आप आग बुझाने की कोशिश करेंगे तो वो आग बुझ जाएगी,
तो मिक्सचर जिस भी चीज से बनी, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट से बना हुआ होगा, उसकी प्रॉपर्टीज को वो अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, उसको खोता नहीं है, वो प्रॉपर्टीज उसकी सेम रहती है। मिक्सचर हैव नो फिक्स कंपोजिशन बाय मास, इन मिक्सचर की जो कंपोजिशन है वो सेम नहीं होती। लेट्स सपोज अगर हम ले लेते हैं एग्जांपल लीमू पानी की। अब लीमू पानी का क्या है कि कोई जो ज्यादा खट्टा है तो उसके में लीमू ज्यादा डला हुआ होगा, कोई लीमू पानी जो है मीठा पसंद करता है तो उसके लीमू पानी में चीनी डला हुआ होगा, ठीक है, और कोई जो है लेमन के बजाय वो पाउडर वाला पसंद करता है तो उसके अंदर पाउडर मौजूद होगा। तो यानी मिक्सचर्स जो होते हैं उनकी फिक्स फॉर्मूला या फिक्स कंपोजिशन नहीं होती, वो तब्दील होती रहती है हस्ब जरूरत। द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस, यानी कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो फिजिकल मींस यानी फिल्ट्रेशन के थ्रू, डिस्टिलेशन के थ्रू, डिकेंटेशन के थ्रू, इन डिफरेंट मेथड्स, फिजिकल मींस के मेथड्स हैं उसके थ्रू वो एक दूसरे से हम सेपरेट कर सकते हैं। सो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन, डिफरेंसेस अमंग एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ओके, नाउ फॉर योर होमवर्क यू हैव टू आंसर क्वेश्चन 1 and 2। डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, आपके पास जो डेफिनेशंस मौजूद है फिजिकल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री की, यू जस्ट हैव टू राइट दैट वन। एंड हां बस इतना ही आप लिखेंगे, बस फिजिकल केमिस्ट्री की आप हेडिंग दे देंगे एंड देन यू विल राइट द डेफिनेशन ऑफ इट। And then उसी के नीचे you can write the heading of analytical chemistry and then give the definition of it. फिर इसके बाद आप करेंगे question number 2, write the classification of molecule, यानी कि molecule कौन कौन से types हैं, वो आप उसको explain करेंगे, उसकी definition भी देंगे आप, उसकी जो definition भी देंगे। Don't forget that you have to give headings. Like question number 2 में आपके पास क्या होगी, सबसे पहले heading आएगी आपकी classification of molecule, फिर आप लिख देंगे that the molecule is classified into dash types. So you have to give headings.